माघ महात्म कथा का 29वां अध्याय। लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं। वहां देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देखकर पिशाचनी और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। विशिष्ट जी बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा जमुना के महात्मा को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयाग राज के त्रिवेणी जल के मार्ग स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वे महान यज्ञ किया था, महान शक्ति प्राप्त की थी जिसके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की कामना की और गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख। जहां पल्ले के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी, समस्त पापों के हरण करने वाला ये यमुना जी है। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास है, उसको सुनो। किसी समय वृश्चिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया। इस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार वह इंद्र द्वारा श्राप कर उर्वशी इंद्रलोक में गिरी। उससे भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन और पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने यहां तप किया। भारद्वाज ने यही सिद्धियां प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहीं के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने कहा, पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमश से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से ये सब श्राप से मुक्त हुए हैं, अब आप उपदेश दें। लोमश जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है,
युवा है और ये कन्याएं भी इस पर मोहित हैं, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वरण कर लिया। उन सब ने लोमस जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वे ब्रह्मचारी एवं पांचों गंधर्व कन्याओं के साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास महात्म को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त पापों से मुक्ति होती है। मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, वैकुंठ को जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना है। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करें, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्ज्वल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना चांदी रुपया अन्न गुड़ तिल आदि का दान अवश्य करें, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। माघ महात्म कथा का 29वां अध्याय संपूर्ण। कथा सुनने के बाद भजन गाएं और श्री हरि को मनाएं। Amen।
जाम।